क्या बीजेपी गुजरात में जो 26 की 26 सीटें यानी कि 100% सीटें जीतने का हैट्रिक बना पाएगी। 2014 का जो चुनाव हुआ 1984 के चुनाव के पूरे 30 साल बाद हुआ था, उसमें 1 से 26 तक यानी जो अल्टीमेट स्कोर हो सकता है वहां तक बीजेपी पहुंचने में कामयाब रही। और ये सारा कुछ हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। गुजरात एक मॉडल केस है बीजेपी के लिए, संघ परिवार की लेबोरेटरी कहा जाता है, बीजेपी के लिए भी ऑर्गेनाइजेशनल जो अगर हम एस्पेक्ट से कहें तो उस हिसाब से भी सबसे महत्वपूर्ण सबसे मजबूत प्रदेश रहा है गुजरात। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में गुजरात में भी मतदान होने वाले हैं। गुजरात में 26 हैं लोकसभा की सीटें, लेकिन मतदान होगा सिर्फ 25 सीटों पर, क्योंकि सूरत की जो सीट है वह ऑलरेडी बीजेपी जीत चुकी है, क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। गुजरात के इतिहास में खासतौर पर अगर बीजेपी के हिसाब से बात करें तो पिछले दो ओकेजन पर, चाहे वो 2014 के लोकसभा चुनाव रहे हों चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव, बीजेपी गुजरात में 26 की 26 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। जाहिर है गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का अपना गृह राज्य है, और इस बार भी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या बीजेपी गुजरात में जो 26 की 26 सीटें यानी कि 100% सीटें जीतने का हैट्रिक बना पाएगी। क्या एक सीट तो बीजेपी ऑलरेडी जीत चुकी है, जो 25 सीटें जिन पर की मतदान होंगे क्या वह सभी की सभी 25 सीटें बीजेपी कॉर्नर कर पाएगी? और खासतौर पर अगर बीजेपी का इतिहास देखा जाए, 1984 में पार्टी को पूरे देश में 2 सीटें मिली थी सिर्फ, जिसमें से कि 1 सीट गुजरात से थी, गुजरात की महसाणा सीट। तो 1984 में जो सफर जो है वह शुरू हुआ सिर्फ 1 सीट से, वह 30 साल बाद आप देखें 2014 का जो चुनाव हुआ 1984 के चुनाव के पूरे 30 साल बाद हुआ था, उसमें 1 से 26 तक यानी जो अल्टीमेट स्कोर हो सकता है वहां तक बीजेपी पहुंचने में कामयाब रही। और ये सारा कुछ हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। गुजरात की जनता ने उन पर अभूतपूर्व विश्वास व्यक्त किया, चूंकि उसके पहले वो आप ध्यान रखें कि 13.5 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के इतिहास में अगर देखें, राजनीतिक इतिहास में, तो वह लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है। मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, और गुजरात की जनता ने दिल खोलकर वोटर्स ने उनको वोट किया और 26 की 26 सीटें जिता दी लोकसभा की, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। और पहली बार जीता ऐसा नहीं, अब ध्यान रखें कि 2014 के बाद से 2019 में भी 26 की 26 सीटें नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की झोली में डलवाई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार बीजेपी 26 की 26 सीटें जीतने का हैट्रिक बना पाएगी? एक सीट तो ऑलरेडी उसकी झोली में जा चुकी है, बाकी बची 25 सीटें क्या वो सब की सब बीजेपी को मिल जाएगी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक तो ये किस तरह का रिकॉर्ड कभी बना नहीं है, दूसरा ये है कि अपने ही अपेक्षाओं पर खरा उतरना। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए एक बड़ा रिकॉर्ड सेट कर दिया है। अब देखें देश के लिए तो एनडीए के लिए 400 पार, जहां तक बीजेपी का सवाल है 370 पार। तो ऐसे में गुजरात की भूमिका काफी बड़ी रहने वाली है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी अपना वोट करने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि वो अहमदाबाद के ही वोटर हैं, अहमदाबाद के रानीप इलाके में वोट करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या 25 की 25 सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि 26वीं सीट तो ऑलरेडी मिल चुकी है। और बीजेपी की हिस्ट्री को देखें और बीजेपी के संगठन को देखें, चूंकि गुजरात एक मॉडल केस है बीजेपी के लिए, संघ परिवार की लेबोरेटरी कहा जाता है, बीजेपी के लिए भी ऑर्गेनाइजेशनल जो अगर हम एस्पेक्ट से कहें तो उस हिसाब से भी सबसे महत्वपूर्ण सबसे मजबूत प्रदेश रहा है गुजरात, जहां पर कि 1995 से आप ध्यान रखें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार मैंडेट ले रही है। 1995, 98, 2002, 2007, 2012, 17, 22 और 22 में तो ऑल टाइम रिकॉर्ड बन गया, जो रिकॉर्ड 1985 में माधव सिंह सोलंकी ने 182 विधानसभा सीटों में से 149 सीटें जीतकर बनाया था, आखिरकार वो रिकॉर्ड 2022 के चुनाव में टूट गया जब बीजेपी ने 182 में से 156 सीटें जीत ली। तो आप ध्यान रखें कि 2022 में बीजेपी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया और उसके बाद से हो रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव, और गुजरात की जनता मोदी पर भरोसा क्यों नहीं करेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि ध्यान रखें कि धरती पुत्र हैं, गुजरात से ही आते हैं, गुजरात के ही सीएम से वह जो है देश के पीएम बने 2014 में, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री, 2 टर्म तक रहने के बाद से तीसरी बार मैंडेट लेने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। तो जाहिर है एक धरती पुत्र फैक्टर है, क्योंकि गुजरात के ही निवासी हैं, उनका जन्म वडनगर में हुआ था। और क्या कुछ चैलेंजेस हैं? क्या कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि अरे गुजरात में क्षत्रिय आंदोलन हुए, चूंकि पुरुषोत्तम रूपाला जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने राजकोट के उम्मीदवार के तौर पर कुछ ऐसी बातें कही जो कि राजपूत और ग्रेटर क्षत्रिय समुदाय को शायद पसंद नहीं आई।
जगह जगह प्रदर्शन भी हुए, लेकिन क्या वो प्रदर्शन मोदी के खिलाफ वोटिंग में कन्वर्ट होगा, बीजेपी के खिलाफ वोटिंग में कन्वर्ट होगा? अगर आप इतिहास देखें और खासतौर पर मोदी का खुद का जो कनेक्ट है क्षत्रिय कम्युनिटी के साथ, वो बड़ा जबरदस्त रहा है। इसका हाल में भी उदाहरण देखने को मिला जब मोदी जामनगर की यात्रा पर गए। वहां पर एक समय जो जामनगर रियासत हुआ करती थी, उसके जो भी करंट वारिस हैं, जिनको आज भी जामसाहनी कहा जाता है, शत्रुशल्य जी, उनसे मिलने के लिए गए और शत्रुशल्य जी ने उनको जमकर आशीर्वाद दिया। यहां तक कि उनके समर्थन में उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी जब ये एजिटेशन शुरू हुए थे। कहा था कि नरेंद्र मोदी शानदार काम कर रहे हैं और उनके हाथ मजबूत करने चाहिए, छोटी मोटी अगर किसी के जुबान से अटरेंसेज निकल भी गई, जाहिर है पुरुषोत्तम रूपाला की तरफ उनका इशारा था, तो उसके लिए जो है नरेंद्र मोदी को कोई सजा नहीं दी जा सकती, बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं किया जा सकता। यही नहीं, अगर आप राज्य में जो अगर मोटे तौर पर अगर क्षत्रिय कम्युनिटी का अगर वोट का इक्वेशन देखें, तो पिछले तमाम विधानसभा चुनाव में एक समय में वो हुआ करता था जब माधव सिंह सोलंकी ने खाम का इक्वेशन क्रिएट किया था, जब उन्होंने क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुस्लिम को जोड़ा था। लेकिन 1985 के बाद से, जो 1985 में ये एक्सपेरिमेंट उनका रहा, उसके बाद से ही फिर वो एक्सपेरिमेंट टूटना शुरू हो गया। और 1990 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें, और खासतौर पर जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने 2001 में, उसके बाद से वो पूरी तरीके से इस कम्युनिटी को, जो लार्जर क्षत्रिय कम्युनिटी है, उसके अपने फोल्ड में लेके आ गए। और इसी का नतीजा ये रहा कि जब चुनाव हुए 2022 के जो लास्ट चुनाव है, तो चूंकि अक्रॉस द कम्युनिटी वोटिंग हुई, इसलिए जाकर जो है 182 में से 156 सीटें मिली। और वही वो मैसिव समर्थन आपको दिखाई दिया जब 2014 के चुनाव हुए, 2019 के चुनाव हुए, 26 की 26 सीटें। जाहिर है अगर सभी कम्युनिटीज जो है अगर वोट करेंगी, तभी इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। और उनका अपना जहां तक पर्सनल कनेक्ट का सवाल है, शानदार है। आप ध्यान रखें कि जितने भी बड़े क्षेत्रीय लीडर्स हैं, कम्युनिटी इवेंट्स हैं, जो प्रिंसली फैमिलीज हैं जिन पर की गई टिप्पणी को लेकर, जो है जो पुरुषोत्तम रूपाला ने टिप्पणी शुरू की थी, उसको लेकर ही विवाद हुआ उन प्रिंसली स्टेट्स के साथ, तमाम महाराजाओं के, वो आप ध्यान रखें कि बड़े ही फैन रहे हैं। जब 2014 में वह खुद पहली बार नामांकन करने के लिए गए, जब उन्होंने बड़ौदा और वाराणसी दोनों जगह से चुनाव लड़ा था, हालांकि बड़ोदरा में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने वाराणसी के फेवर में उसको छोड़ दिया था, तो नामांकन के वक्त बड़ोदरा में उन्होंने बड़ौदा के जो बड़े प्रतापी शासक थे सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, उनका जिक्र किया था कि शासक हो तो ऐसा, चूंकि खुद एक समय जो उनका अपना बर्थ प्लेस है वड़नगर नरेंद्र मोदी का, वह भी जो है सयाजी राव गायकवाड़ की जो रियासत थी उसके अंदर आता था, और बड़े ही रिफॉर्मिस्ट किस्म के किंग थे, शासक रहे थे सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, जिससे कि लोग प्रेरणा लेते हैं। यहां तक कि उनकी किताब शासन सूत्र का जिक्र किया था नरेंद्र मोदी ने नामांकन के बाद। यही नहीं, आप देखिए जितने भी बड़े आइकन रहे, जिससे कि कहीं ना कहीं क्षत्रिय अस्मिता जुड़ी हुई हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे अंबाजी हो, चाहे पावागढ़ हो, इन सबका जो है एक तरह से कह सकते हैं जीर्णोद्धार, पुनरुत्थान, वहां पर जबरदस्त मैसिव डेवलपमेंट वर्क नरेंद्र मोदी के टाइम में हुआ, जब वो चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री थे या फिर अब देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कम्युनिटी के तौर पर अगर आप देखा जाए, तो इस कम्युनिटी का नरेंद्र मोदी से कोई विरोध नहीं है। इक्का दुक्का जो है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ कुछ लोग अपना विरोध कर सकते हैं, अखबार में नाम भी कह सकते हैं, या फिर जो अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश भी कह सकते हैं, या फिर जो कहीं छोटी मोटी भावनाएं आहत हुई हैं उसका रिफ्लेक्शन कहीं कहीं दिखाई देता है छोटे मोटे प्रदर्शनों के तौर पर, लेकिन वो जाहिर है नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोटिंग में नहीं कन्वर्ट होगा। तो इसलिए जो है ज्यादातर लोगों का ये आकलन है कि एक बार फिर से बीजेपी गुजरात में हैट्रिक बनाने की तरफ जा सकती है। और ये जो जर्नी है आप देखिए ना, 1984 में जो शुरू हुई थी एक सीट के तौर पर, लोकसभा की एक सीट जीती थी महसाणा की बीजेपी ने, वहां से जो है 2014-2019 26 की 26 सीटें जो है बीजेपी ने जीती है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। और अब चूंकि लोगों के पास जा रहे हैं तो 10 साल की परफॉर्मेंस है, जिस दौरान जाहिर है देश का विकास हुआ है, गुजरात में भी काफी मैसिव प्रोजेक्ट है, तो कहीं कोई दिक्कत है ऐसा दिखता नहीं। और ये कॉन्फिडेंस खुद नरेंद्र मोदी में दिखाई देता है, जबकि वो अपने हाल के दिनों में कई सारे उन्हें गुजराती अखबारों को इंटरव्यू दिया, उसमें भी वो भरोसा झलक रहा था, वो कॉन्फिडेंस गुजरात के लोगों के प्रति जो है वह दिख रहा था, और जो तमाम रैलीज मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी वो कॉन्फिडेंस नजर आता है, जबकि लोग बड़े पैमाने पर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए, नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे बुलंद करते आए। और अगर वैसे भी गुजरात के इतिहास को देखें, खासतौर पर पॉलिटिकल हिस्ट्री को, तो 1960 में गुजरात बना, उसके बाद के सबसे पॉपुलर लीडर है नरेंद्र मोदी। इस तरह का मैसिव सपोर्ट आज तक गुजरात की जनता ने किसी को नहीं दिया। जो तमाम मेजर कम्युनिटीज हैं, चाहे आप आदिवासियों को देखें, चाहे दलित को देखें, ओबीसी को देखें,
जो पटेल कम्युनिटी देखें जो कि सबसे इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, या फिर सवर्ण जातियां जो है वहां की, चाहे आप क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो, इन सबका एक तरह से कह सकते हैं सपोर्ट रहा है। और इसी के जरिए मोदी ने इतनी पॉपुलैरिटी जो है उस सपोर्ट के आधार पर गेन की जो कि वोट में कन्वर्ट हुई, और वो एक के बाद एक अपनी अगुवाई में लगातार 3 चुनाव उन्होंने विधानसभा के जितवाए। उसके पहले बीजेपी के संगठन महामंत्री के तौर पर राज्य में उन्होंने 1995 में बीजेपी की अपनी मैसिव मैंडेट की पहली सरकार बनवाई, अपने बूते की सरकार बनवाई, फिर 1998 में चुनाव जिताया। तो इसलिए इस बार भी जो 26 में 26 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा गया उसमें कहीं कोई बहुत चैलेंज नहीं दिखाई देता। और ये बात जो है नरेंद्र मोदी के जब आप भाषण सुने, जब उनके इंटरव्यू सुने, उसमें भी दिखाई देती है इस तरह की कॉन्फिडेंस। और यही चीज जो गुजरात से ही आते हैं गृहमंत्री अमित शाह, उनमें भी दिखाई देता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान के अवसर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह खुद अपने होम स्टेट में रहने वाले हैं, तो उसका भी एक बड़ा साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं कि जहां तक गुजरात के इतिहास का सवाल है और खासतौर पर बीजेपी संगठन का सवाल है, इस संगठन को खड़ा करने में खुद क्षत्रिय कम्युनिटी के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही। एक तरह से कह सकते हैं जो शुरुआती अध्यक्षों में से एक रहे हरि सिंह जी गोहिल ने सौराष्ट्र के इलाके में जो उस समय जो जनसंघ होता था, जनसंघ जिसका कि बाद का रूप बीजेपी है, चूंकि जनसंघ का बाद का अवतार 1980 में बीजेपी के तौर पर फॉर्म हुई, उसको खड़ा करने में सबसे बड़ा रोल उन्होंने पैदा किया था। इसी तरीके से बलभद्र सिंह राणा एक बहुत बड़े नाम थे जिन्होंने कि सुरेंद्रनगर भावनगर के इलाके में संगठन का विस्तार किया। नटवर सिंह वाघेला रहे एक बहुत प्रमुख संघ के प्रचारक जिन्होंने कि जनसंघ की जड़े जमाने में भी काफ़ी काम किया। तो उस कम्युनिटी से दूसरे जो तमाम कम्युनिटी से इन सभी लोगों की कंबाइंड फोर्स थी जिसके जरिए जो है पहले जनसंघ की जड़ें गुजरात में मजबूत हुई, और फिर 1980 में जब बीजेपी की नींव पड़ी उसने 1984 ऑनवर्ड्स लगातार अपने को इतना मजबूत किया कि 1995 के बाद से गुजरात बीजेपी का अभेद्य किला बन चुका है। और अगर 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसके बाद से 2014-2019 विपक्ष को एक भी सीट जीतने में कामयाबी नहीं मिली, और 2024 में वोटिंग नहीं हुई, उसके पहली एक सीट ऑलरेडी सूरत के उसके पाले में आ चुकी है। तो लगता नहीं है कि कहीं कोई चैलेंज है, और यही वो कॉन्फिडेंस है जिसके आधार पर, चूंकि आप अपने होम टर्फ पे मजबूत हैं, इसीलिए आप देश में जो है 400 पार का नारा बड़े भरोसे के साथ बुलंद कर सकते हैं। और जो गुजरात को मैंने देखा है, चूंकि 15 साल मैं खुद गुजरात में रहा 1999 से 2014, गुजरात में जो रॉक सॉलिड सपोर्ट मोदी को लेकर रहा है, जो कि विधानसभा चुनाव के नतीजे में रिफ्लेक्ट होता है बार बार, या फिर लोकसभा चुनाव के नतीजे में, उसमें कहीं कोई कमी इस बार भी नहीं दिखाई देती। जाहिर है इस तरह की सियासी पृष्ठभूमि के बीच मतदान होने जा रहा है, तीसरे चरण के मतदान में गुजरात में भी वोटिंग होगी, और सबकी निगाहें जाहिर है मतगणना के दिन होगी कि आखिर बीजेपी क्या हैट्रिक बना पाती है गुजरात में 26 की 26 सीटें जीतने की। एकमात्र अगर कोई मिस्ट्री है तो यही है, बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है और इस कॉन्फिडेंस के बीच वो जा रही है तीसरे चरण के चुनाव में, जिसमें कि गुजरात में भी वोट डाले जाने हैं।